जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल के कुछ नए इम्पोर्टेंट फैक्ट नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसके बारे में आप लोगों को पता था तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो में अगर यदि पहली बार आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, मैंने लिखा है हेयर आर सम फैक्ट्स अबाउट गूगल। ठीक है, तो गूगल के कुछ ऐसे फैक्ट्स अबाउट हैं जी बारे में है जो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट नॉलेज आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में ध्यान से पूर्वक इसे सुनिए और समझिएगा। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आज 6-7 पॉइंट ऐसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि गूगल के कुछ ऐसे फैक्ट्स नॉलेज है जो आप लोगों को नहीं पता है लेकिन उसे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि गूगल आज के दौर में बहुत बड़ा यह कंपनी बन चुका है। ठीक है, गूगल नाम सुन आप लोग तो सुनते आ रहे हैं, इसका यूज भी करते होंगे। ठीक है, इस गूगल का आपके फोन में इंस्टॉल होगा, ऑलरेडी इसमें सिस्टम ऑलरेडी से इंस्टॉल रहता है, इसे तो इंस्टॉल किया जाता नहीं। आप जिस टाइम आप इसे मोबाइल खरीदते हैं और वहां पे आप ईमेल आईडी बना लेते हैं, तो ईमेल आईडी बनाने के साथ ही आप इसका यूज करने लगते हैं गूगल्स का। ठीक है, बिना ईमेल आईडी का तो आप गूगल्स कोई भी ऐसे वेब ब्राउजर यूज तो चला नहीं सकते हैं। ठीक है, बिना ईमेल आईडी के। तो वही इस डिटेल में आज हम जानेंगे गूगल के बारे में। गूगल के कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड नॉलेज है जो बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें बहुत ऐसे टॉपिक है जो बहुत फंटास्टिक है। फंटास्टिक करने का मतलब कि मजेदार है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसमें ये बोल रहा है कि गूगल हैज 8.5 बिलियन सर्चेस पर डे ग्लोबली। इसमें ये बता रहा है कि 8.5 बिलियन, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि 8.5 अरब एक दिन में इसका गूगल्स का सर्च किया जाता है। ठीक है, सर्च टेबल, यानी कि इसको सर्च टेबल टॉपिक भी कह सकते हैं कि यानी कि एक दिन में 8.5 बिलियन, यानी कि 8.5 अरब, करोड़ तो छोड़ दो, अरब की बात हो रहा है, यानी कि 1 अरब में 100 करोड़ होता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 8.5 अरब एक दिन में इसका सर्च किया जाता है गूगल पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स में ये बता रहा है। तो दूसरा पॉइंट्स में आगे बढ़ते हैं कि गूगल्स फर्स्ट इम्प्लॉयज वाज क्रेग सिल्वर अस्टीन, यानी कि जो गूगल का लॉन्च किया गया था, गूगल कंपनी बनाया गया था, तो उसमें से कोई इम्प्लॉयज तो चूज करना पड़ता है। बिना इम्प्लॉयज का कोई भी कंपनी चलेगा ही नहीं, उसमें बॉस होना जरूरी है, उसमें एक मैनेजर होना जरूरी है, एक सीईओ होना जरूरी है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज का भी होना जरूरी है, तभी तो कंपनी चलेगा। तो इसमें ये बता रहा है कि गूगल्स का जो फर्स्ट एम्प्लॉयज था, ठीक है, गूगल्स का, उसका नाम क्या था, क्रेग सिल्वरस्टीन। ठीक है, क्रेग सिल्वरस्टीन जो एक नाम का व्यक्ति थे जो गूगल्स का पहला एम्प्लॉयज था। ठीक है, गूगल्स का पहला एम्प्लॉयज था। फिर थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है कि गूगल फर्स्ट ऑफिस, यानी कि गूगल्स का पहला कार्यालय वाज रेंटेड। ठीक है, रेंटेड यहाँ पे सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, गैरेज, यानी कि गूगल्स का जब पहला कार्यालय बना था वो कहाँ था, यानी जो किराए पर मकान, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि गूगल्स का जो किराया गैरेज था, गैरेज यानी मकान, यानी कि कार्यालय, ठीक है, वो कहाँ था, एक किराए के तौर पर था, और कहाँ था, कैलिफोर्निया मेनोले पार्क में। ठीक है, कैलिफोर्निया मेनोले पार्क में था गूगल्स का पहला कार्यालय, कहाँ था, कैलिफोर्निया में, और क्या नाम था, यानी कि इसमें वाज रेंटेड गैरेज। ठीक है, ये किराए पर इसमें लिया गया था। ठीक है, गूगल्स का। तो फिर फोर्थ पॉइंट में क्या बता रहे हैं, गूगल्स ठीक है, ओरिजिनल नेम वाज बैकरब, यानी कि गूगल्स का जो था पहला नाम क्या था, बैकरब, यहां समझिए, बैकरब। ठीक है, बैकरब, आप तो अभी सुन रहे हैं गूगल्स अभी आप लोग यहाँ पे 2006 के बाद इसे जानते होंगे, गूगल्स नाम से सुनते होंगे, गूगल नाम से जानते होंगे, यूज भी करते होंगे, लेकिन इसके पहले क्या इसका नाम था, बैकरब। ठीक है, ये क्या ये जानकारी आप लोगों को पता था, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो में अगर यदि आप लोगों को कुछ मजा आया होगा तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर क्या बोल रहा है कि गूगल इज ए मिस स्पेलिंग ऑफ गूगल, यानी कि गूगल आप जो सुनते हैं, गूगल लिखते हैं GOOGLE, ये गूगल
का मिस स्पेलिंग है, किसका, गूगल का, गूगल का मिस स्पेलिंग है, ठीक है। और ये गूगल का मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, गूगल का मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, गूगल का हिंदी क्या होता है ये कोई नहीं जानता, इसका हिंदी होता ही नहीं है गूगल का, लेकिन गूगल के पीछे कुछ कुछ अर्थ छिपा हुआ है। गूगल का मतलब होता है एक के बाद सौ सोनी, आप इसे सर्च करके भी देख सकते होंगे कि गूगल्स का मतलब होता है एक के बाद सौ सोनी, ठीक है। तो गूगल्स का मतलब ही होता है एक के बाद सौ सोनी, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं गूगल यानी गूगल, गूगल का मिस स्पेलिंग है गूगल, ठीक है, गूगल से बना गूगल, ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। ये हो गया। तो अगर यदि कोई पूछे कि गूगल का हिंदी क्या होता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि गूगल का कोई हिंदी या कोई मतलब नहीं होता है, इसका एक अर्थ ये होता है कि एक के बाद सौ सोनी, गूगल का कोई अपना हिंदी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। ये नाम ही है गूगल, यानी कि इसका मिस स्पेलिंग से बना है गूगल, ठीक है। तो गूगल फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि गूगल हैज यूज्ड गोड्स टू मो एंड फर्टिलाइज इट्स लॉन। ये बहुत ही फंटास्टिक पॉइंट्स है, ठीक है, बहुत ही मजेदार है। क्या मजा है इसमें कि गूगल अपने कैंपस को साफ सुथरा रखने के लिए, वहाँ के कैंपस को उर्वरता बनाने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए, अपने कैंपस को, अपने गार्डन को साफ सुथरा रखने के लिए किसका यूज करता है, बकरी का, और अपने माओ एंड फर्टिलाइज करने के लिए, अपने कैंपस को साफ रखने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए गूगल्स अपने किराए पे देता है गॉड्स यानी बकरी को देता है। यानी ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, गूगल से क्या रखता है अपने गार्डन्स, अपने कैंपस को साफ रखने के लिए, अपने कैंपस को फर्टिलाइज करने के लिए बकरियों को रखता है, ये बहुत ही मजेदार है। क्या आप लोगों को इसके बारे में पहले पता था, कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या कि गूगल्स फर्स्ट ट्वीट इन फरवरी, गूगल्स का पहला जो ट्वीट था वो बाइनरी कोड में था, क्या में था, बाइनरी कोड में था, ठीक है। और जो गूगल्स पहला ट्वीट किया था कब किया था, 2009 में, फरवरी 2009 में पहला ट्वीट किया था कि किसके माध्यम से, बाइनरी कोड के माध्यम से, ठीक है, बाइनरी कोड के माध्यम से किया था गूगल पहला ट्वीट, जो कंपनी ट्वीटेड था, जिसका मतलब क्या था, आई एम फीलिंग लक्की, ठीक है, आई एम फीलिंग लक्की, इसमें यह बता रहा है। जो गूगल्स पहला ट्वीट किया था पब्लिकली जो ट्वीट किया था गूगल पहला ट्वीट 2009 में फरवरी में, तो क्या ट्वीट किया था, आई एम फीलिंग लकी, इसका मतलब ये होता है कि मैं भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा, क्यों, क्योंकि उसका उस टाइम रिच बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा रिच हो रहा था, अभी भी इसका रिच है, ठीक है, गूगल्स का, इसीलिए पहला ट्वीट किया था कि इन बाइनरी कोड में था कि आई एम फीलिंग लकी, गूगल्स का पहला बाइनरी कोड में था ट्वीट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि गूगल्स बैंड इन चाइना, साउथ कोरिया, ईरान, ETC, सुडान भी था। तो इसमें ये बता रहा है कि चाइना कुछ ऐसे देश है जिसमें प्रतिबंधित है, इंडिया में तो नहीं, इंडिया में तो अभी चल ही रहा है, इंडिया में क्रोम ब्राउजर, गूगल और फायरफॉक्स ये भी है, तो ये बहुत सारे देश में ऐसे है गूगल्स का जहाँ पे प्रतिबंधित है, उसमें से एक चाइना है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ईरान है, ठीक है, और सुडान है, और कुछ और भी ऐसे देश हैं जहाँ पे चाइना मतलब कि गूगल्स प्रतिबंधित है, बैन है, खास तौर पर यहाँ चाइना में तो, और साउथ कोरिया में गूगल्स परफेक्टली बैन किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें से 6-7 पॉइंट मैंने बता दिया, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बहुत ही मजेदार टॉपिक बताने जा रहा हूँ, तब तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ इसमें 6-7 टॉपिक बताया था, इस टॉपिक से यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या इस मतलब इस पॉइंट में, इस टॉपिक के पॉइंट में क्या बता रहा है आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। इसमें पहला जो है पॉइंट का, इसमें क्या बता रहा है कि द फर्स्ट एंड्रॉयड फोन रिलीज बाय गूगल वॉज नेक्स्ट वन ऑन जनवरी 5 जनवरी 2010। इसमें यह बता रहा है कि गूगल के द्वारा पहला एंड्रॉयड फोन रिलीज किया गया था कब, 5 जनवरी 2010 को, और उस एंड्रॉयड फोन का क्या नाम था, नेक्सस वन, ठीक है, नेक्सस वन, इसको नेक्सस वन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कब किया गया था, 5 जनवरी 2010 को, यानी कि फर्स्ट जो
एंड्रॉयड फोन इसमें रिलीज किया गया था, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। कब किया गया था? 5 जनवरी 2010 को। और कौन सा एंड्रॉयड फोन लॉन्च किया गया था या फिर रिलीज किया गया था? नेक्सस वन, ठीक है, इसमें ये कह सकते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या बता रहा है गूगल का ये है, ठीक है, जो ओल्ड जो एम्प्लॉइज आर कॉल्ड गूगल्स गूगलर्स एंड न्यू वंस आर कॉल्ड नोगलर्स। इसमें ध्यान पूर्वक समझिए, इस माइंड में बैठा लीजिएगा कि गूगल्स में जो कंपनियां, जो गूगल्स का जो कंपनी है उसमें जितने सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो पुराने होते हैं उसे कहा जाता है गूगलर्स, जो पुराना हो जाता है। सिंपल से समझिए कि गूगल्स में कुछ नया नया एम्प्लॉइज आया, ठीक है, कुछ नया एम्प्लॉइज उसमें काम कर रहा है, और पहले से कोई काम कर रहा है, जो पहले से काम कर रहे उसे तो हम पुराना एम्प्लॉइज कहेंगे, जो नया आया उसको हम नया एम्प्लॉइज कहेंगे। एम्प्लॉइज कहने का मतलब कर्मचारी, ठीक है, तो पुराने कर्मचारियों को क्या कहा जाता है गूगल में? पुराने कर्मचारी, पुराने एम्प्लॉइज को कहा जाता है गूगलर्स, ठीक है, और जो नया होते हैं, जो नया आते हैं, तो उसे कहा जाता है नूगलर्स, ठीक है। ये ध्यान में बैठा लीजिएगा माइंड में, ठीक है, कि जो पुराने एम्प्लॉइज होते हैं गूगल में, गूगल कंपनी में, उसे गूगलर्स कहा जाता है, और जो नए आते हैं उसे नोगलर्स कहा जाता है। तो अभी मैंने 8-10 पॉइंट मैंने बताया गूगल्स के बारे में, क्या आप लोगों को अच्छा लगा? अच्छा लगा तो इस कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा, ठीक है। और आप लोग ये भी कमेंट में बताएं कि अगर मैंने जितने सारे इस गूगल के टॉपिक में जितने सारे पॉइंट बताए, क्या इस टॉपिक के कुछ ऐसे पॉइंट पहले से आपको पता था? कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह जानकारी या नॉलेज, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और इस तरह का नए नए इम्पोर्टेंट नया नया टॉपिक पॉइंट्स मैं आप लोगों को लेते आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसी तरह के मैं नॉलेज, फैक्ट्स नॉलेज आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसी तरह से और भी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद साथियों।